السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, हम उसकी हमद बजा लाते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश तलब करते हैं। हम अपने नफ्स की बुराइयों और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। जिस शख्स को अल्लाह ताला हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जिन्होंने रिसालत को पहुँचा दिया, अमानत को अदा कर दिया, उम्मत की खैरख्वाही फरमाई और आखिरी दम तक अल्लाह की खातिर जिहाद करते रहे। बहुत ज़्यादा दरुद व सलाम नाज़िल हों आप पर, आपकी आल पर और सहाबाए किराम पर, और क़यामत तक आपकी सुन्नत और सीरत पर चलने वालों पर। हम्द व सलात के बाद सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह ताला की कलाम है, सबसे बेहतरीन सीरत और तरीका मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सबसे बदतरीन काम नए ईजाद करदा हैं, हर नया काम बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आग की तरफ ले जाने वाली है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला के अवामिर बजा लाने में तक्वा इलाही इख्तियार करो और उसकी मना करदा और जजर व तौबीख पर मबनी अशिया के इर्तिकाब से बाज रहो। इरशाद बारी ताला है, ए लोगो अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया उसी से उसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगेबान है। अल्लाह के बंदो, यकीनन सिला रहमी, मवद्दत व मोहब्बत, हुस्न माशरत, अहद व वफा की पासदारी और भाईचारे की फजा कायम करना इबादत और तकर्रुब इलाही का सबब है और अल्लाह ताला की जानिब से मुसलमानों पर हक भी है, जिस पर उसने अजर व सवाब मुकर्रर कर रखा है और इसकी मुखालफत पर गुनाह और अजाब व सजा भी मुकर्रर कर रखी है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और हकूक ज़ौजैन से लेकर करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलने जुलने, सिला रहमी करने, पड़ोसियों और दोस्तों के हकूक का ख्याल रखने तक, बल्कि आम दूसरे मुसलमानों के हकूक तक का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, मोमिन तो आपस में भाई ही हैं, बस अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करवाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और मजीद फरमाया, अल्लाह ताला से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त कर लो। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिनों की आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और मवद्दत और बाहमी हमदर्दी की मिसाल जिस्म की तरह है कि जब उसका कोई उज़्र तकलीफ में होता है तो सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है, बईं तौर के नींद उड़ जाती है और पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। और सुनो, लोगों में से सबसे ज्यादा इस मोहब्बत, रहमदिली और हमदर्दी के हकदार इंसान के करीबी रिश्तेदार होते हैं, और इसी तरह वो लोग भी जो बाहमी ताल्लुक में एक निस्बत रखते हैं और इस्लाम उनके दरमियान वहदत व यगानगत, उल्फत व मोहब्बत और इत्तिफाक को इत्तेहाद का खाहा है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तुम रिश्तेदार को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को भी। जो लोग अल्लाह की खुशनूदी चाहते हैं उनके लिए यही बेहतर है और वही है जो फलाह पाने वाले। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी से काम ले, सिला रहमी करे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। लोगो, बाहमी मुखालफत और इख्तिलाफ, नफरत अंगेजी, कता ताल्लुकी, बेरुखी, किनारा कशी, कीना परवरी, हसद करना, बुग़्ज़ व इनाद रखना, अदावत व दुश्मनी रखना, शर अंगेजी और हर वो चीज़ जो सीनों के कीने हसद की आग को बढ़ा दे, ये वो चीज़ें हैं जो तबाही और बर्बादी और फसाद की असल जड़ हैं, जिनसे सिला रहमी पारा पारा होकर रह जाती है।
करीबी रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, मियां बीवी के दरमियान जुदाई हो जाती है, बहम मोहब्बत रखने वाले एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, पड़ोसियों दोस्तों और भाइयों की उल्फत और मोहब्बत खराबी और फसाद की भीड़ चढ़ जाती है। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे से हसद ना करो, खरीदो फरोख्त में धोखा ना करो, एक दूसरे से बुग्ज़ ना रखो, एक दूसरे से मुंह मत फेरो, किसी की जासूसी ना करो और किसी के ऐबों के पीछे मत पड़ो, किसी की बै खरीदो फरोख्त पर खरीदो फरोख्त ना करो, और इस तरह अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है वो उस पर जुल्म नहीं करता, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है और ना उसे हकीर समझता है। तकवा और परहेजगारी यहाँ है। आप सल्लम ने अपने सीने अपने दिल की तरफ तीन बार इशारा करके, यानी जाहिर में अच्छे अमल करने से मुत्तकी इंसान नहीं होता जब तक उसका सीना साफ ना हो। किसी आदमी के बुरा होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। हर मुसलमान का खून, उसका माल और उसकी इज्जत दूसरे मुसलमान के लिए हराम है। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। मुसलमानों, एक ही खानदान के अफराद के दरमियान कता ताल्लुकी और बाहमी किनारा कशी की ऐसी ऐसी चीजें देखने और सुनने को मिलती हैं कि जिनसे दिल फट जाए और पेशानी तर हो जाए कि कैसे शैतान ने उनमें दाखिल होकर उनके शेराजे को मुंतशिर कर दिया है और उनकी वहदत और यगानगत को पारा पारा कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुल्म व बगावत और कता ताल्लुकी जैसा कोई और गुनाह नहीं है जो इस लायक हो कि अल्लाह ताला उसके मुर्तकिब को इसी दुनिया में सजा दे दे, बावजूद इसके कि इसकी सजा भी उसने आखिरत के लिए मुअख्खर कर रखी है। और सुनो, बाहमी राब्तों में लापरवाही और बेतनाई बरतने और असर नौ ताल्लुकदारी को कायम ना करने से कता ताल्लुकी का ऐसा बाजार गर्म होता है जिससे उल्फत और मोहब्बत जाती रहती है, जिसका असर फिर नई नस्ल पर पड़ता है। लिहाजा अल्लाह के बंदो, तजदीदे अहद करो, बहम एक दूसरे से राबते मुलाकात और ज़ियारत करने में सबकत करो, हद दर्जात कता ताल्लुकी से बचो, मोहब्बत और मवद्दत के एहसासात पैदा करो। लोगों को माफ करना, दरगुजर करना, गुस्से को पी लेना और उनकी तकलीफों को बर्दाश्त करना तकर्रुब इलाही के हसूल के बड़े ज़राए में से है, और लोगों में से सबसे ज्यादा इस चीज के हकदार इंसान के अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और एक दूसरे से बढ़कर दौड़ो और अपने रब की जानिब से बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, डरने वालों के लिए तैयार की गई है, जो खुशी और तकलीफ में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया और जो शख्स सब्र से काम ले और माफ कर दे, यकीनन ये बहुत बड़ी हिम्मत के कामों में से है। और मजीद इरशाद फरमाया, जो माफ कर दे और इसलाह कर ले उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। लिहाजा अपने अंदर माफ करने और दरगुजर करने का मादा पैदा करो, अजर और सवाब की उम्मीद रखो, एक दूसरे को सब्र करने और रहम करने की तलकीन करो, अल्लाह ताला से डरो, अपने आपसी मामलात अपने आपसी ताल्लुकात दुरुस्त कर लो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह मेरे और आपके लिए कुरान करीम को बाबरकत बनाए, इसकी आयात जिक्र हकीम से मुझे और आप सबको नफा पहुंचाए। मैं इसी बात पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं, अल्लाह ताला से इस्तिगफार करता हूं, यकीनन वो अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तरीफें अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के लिए हैं जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसको खानदान वाला और ससुराल वाला बना दिया, सिला रहमी को वाजिब करार दिया और इसमें बहुत बड़ा अजर रख दिया। और मैं तोशे आखिरत बनाने के लिए इकरार करते हुए ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही तनहा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, लोगों में से सबसे ज्यादा जो इज्जत मुकाम वाले और बुलंद तस्करे वाले। बहुत ज्यादा रहमतें और सलामती नाजिल हो आप पर, आपकी आल पर और आपके सहाबाए किराम पर। लोगों, सुलह पसंदी में ही खैर वलाई है, जो अजीम तरीन इबादत भी है। इसकी वजह से कितनी जानों, मालों और इज्जतों को अल्लाह ताला ने बचाया, कितने फितनों से अल्लाह ने महफूज रखा, कितनी लड़ाइयों को खत्म किया, और इसी की बदौलत कितनी ही दुश्मनियों और बाहमी दूरियों को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। और अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने फितनों और लड़ाई झगड़ों की आग बुझाकर, बाहमी चपकलश कीने और बुग़्ज़ और इनाद मिटाकर और सिलो सफाई की फजा कायम करके तुम्हें आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखने का हुक्म सादर फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, मोमिन तो आपस में भाई ही हैं, बस आपस अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करवाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और मजीद फरमाया, अल्लाह से डरो और आपस के ताल्लुकात दुरुस्त कर लो। और मजीद इरशाद फरमाया, उनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई खैर नहीं, हाँ भलाई उसके मशवरे में जो खैरात का या नेक बात का या लोगों में सुलह कराने का हुक्म करे। और जो शख्स सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने के इरादे से ये काम करे, उसे यकीनन हम बहुत बड़ा अजर व सवाब अता करेंगे।
आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त रखना और सुलह जोई करना कुर्बत इलाही के हसूल और अजर और सवाब वाले कामों में से अजीम तरीन काम है। नीज ये सबसे पकीजा आमाल और सदकात में से भी है, जैसा कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर दिन जिसमें सूरह शुरू होता है हर आदमी के हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। दो आदमियों के दरमियान अदल करना सदका है, आदमी को उसकी सवारी पर सवार करना सदका है, उसका सामान उठाना या उसके सामान को सवारी से उतारना सदका है, पकीजा बात करना सदका है, नमाज की तरफ चल कर जाने में हर कदम सदका है और रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी सदका है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और अब्दुल्लाह बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के दरमियान सुलह करवाना अफजल तरीन सदकात में से है। इसे इमाम तबरानी ने रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, सुलह जोई से उम्मत की वहदत और यगानगत की तकमील होती है, नफूस का तज़किया होता है और अल्लाह ताला दिलों को जोड़ देता है और इसी के जरिए अल्लाह ताला उम्मत से इफ्तिराक व इख्तिलाफ और उसके शेराजे के इंतशार के शर को दूर कर देता है और उसे पैदर पे आने वाले मसाइब से बचा लेता है। आपसी ताल्लुकात की बेहतरी के साथ ही उम्मत एक मजबूत इमारत की मानिंद होती है और एक जिस्म की मानिंद होती है। जब उसके एक उज़्व को तकलीफ होती है तो बाकी सारा जिस्म बेदारी और बुखार के जरिए सब आज़ा को एक साथ मिलाकर उसका साथ देता है। जैसा कि अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जो दर्जे में रोजे नमाज और ज़कात से बढ़कर है? लोगों ने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में मेल जोल करा देना और आपस की लड़ाई और फूट तो दीन को मूंड देने वाली है। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। इस हदीस में एक लफ्ज हालिका है जिसका माना है कि ऐसी खसलत जो मूंड देने वाली है या हलाक बर्बाद कर देने वाली है और दीन को खत्म कर देने वाली है। लोगों, इस सारी बातों के बाद गुजारिश ये है, अल्लाह ताला से डरो, हकदारों को उनका हक अदा करो। जैसा कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें रोजे क़यामत हक वालों के हक जरूर अदा करने होंगे, हत्ता के बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी से बदला दिए दिलवाया जाएगा। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अपने नफ्सों का मुहासबा कर लो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। मौत से पहले पहले अपने आप को बरी कर लो। हकदारों के हकूक के ताल्लुक से अपना मामला साफ कर लो। लोगों पर किए हुए जुल्म का बदला चुका लो और हर हकदार को उसका हक अदा कर दो। इरशाद बारी ताला है, किसी कौम की अदावत तुम्हें खिलाफ अदल पर आमादा ना करे, अदल किया करो जो परहेजगारी के ज्यादा करीब है। ए अल्लाह, हमें हकूक अदा करने की तौफीक अदा फरमा और सिला रहमी में हमारी मदद फरमा, हमारे आपसी मामला दुरुस्त फरमा और हमारे दिलों की खयानत कीने कपट और हसद से पाक फरमा। ए अल्लाह, हमारी जिंदगी में हमें हर खैस मिटने की तौफीक अदा फरमा और मौत को हमारे लिए हर शर से राहत का सबब बना दे। ए अल्लाह, हकूक अदा करने में हमारी मदद फरमा और हमारे ऊपर ऐसा बोझ ना डालना जिसकी हम ताकत ना रखते हों। हमें सबसे ज़्यादा हकूक पूरे करने और तकवा इख्तियार करने वालों में से बना और हमें मुआफ़ फरमा और उन्हें जिनके हमारे ऊपर हकूक हैं उन्हें भी मुआफ़ फरमा। ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह ईमान को हमारे दिलों में मुज़य्यन कर दे और कुफ्र फुसूक को हमारे लिए मकरूह बना दे। ऐ अल्लाह, दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को दीन पर इस्लाम पर साबित कदम रखना। ऐ अल्लाह, अपनी इताअत पर हमारे दिलों पर अपनी इताअत की तरफ हमारे दिलों को फेर दे। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, अपने मुवाहिद बंदों की मदद फरमा, इस मुल्क को और तमाम इस्लामी ममालिक को अमनो अमान का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह, तो हमारे वतन में अमन अदब पैदा फरमा, हमारे हुक्मरानों की इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे हाकिम खादिम हरमैन शरीफेन को खसूसी तौफीक अता फरमा, उनकी ताईद और नुसरत फरमा, उनको सेहत याबी अता फरमा। ऐ जहानों के पालनहार, ऐ अल्लाह, उनको और उनके वली अहद को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा। ऐ दुआओं को सुनने वाले, ऐ अल्लाह, हमारे आमाल को कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है, और हमारी तौबा को कबूल फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला है और मेहरबान है। ऐ अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और तमाम सहाबा-ए-किराम पर रहमतें और सलामतियाँ नाजिल फरमा।